प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में। विद्यार्थियों इससे पहले हम विभिद्योतक के बारे में पढ़ रहे थे। विभिद्योतक भी एक प्रकार से ऊतक हैं, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं सदैव विभाजनशील रहती हैं विभिद्योतक कहलाते हैं, है ना विद्यार्थियों। लेकिन आज हम विभिद्योतक के अलावा जो अन्य ऊतक हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें ऊतक। एक होता है एक से अधिक प्रकार की पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का समूह जिसकी कोशिकाएं संयुक्त रूप से मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार किसी विशेष ऊतक में उपस्थित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर इनको दो वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है विभिद्योतक यानी मेरिस्मैटिक टिश्यू, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं विभिद्योतक कहलाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं बहुभुजी, गोलाकार अथवा अंडाकार हो सकती हैं, जिनमें सामान्यतः बड़ा केंद्रक तथा सघन जीव द्रव्य होता है। इसमें अंतरकोशिक स्थल का अभाव होता है। इनका वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है। यह ऊतक प्राय मूल शीर्ष में प्ररोह शीर्ष पर स्थित होता है तथा स्थायी ऊतकों का निर्माण करता है। तो विभिद्योतक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शीर्षस्थ विभिद्योतक, पार्श्व विभिद्योतक, अंतर्वेशी विभिद्योतक, ये उनकी स्थिति के आधार पर थे। उत्पत्ति के आधार पर भी प्राथमिक विभिद्योतक, प्रविभिद्योतक, द्वितीयक विभिद्योतक। लेकिन अब हम स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बारे में कुछ जानते हैं। इनमें सम्मिलित कोशिकाएँ स्थायी प्रकृति की होती हैं तथा किसी विशेष कार्य विशेष को संपादित करती हैं। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती स्थायी ऊतकों में, क्योंकि एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं संयुक्त रूप से मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं। अतः कोशिकाओं की समानता अथवा असमानता के आधार पर भी इनको हम निम्न श्रेणियों में विभेदित कर सकते हैं। तो स्थायी ऊतक वो होते हैं विद्यार्थियों जिनकी कोशिकाएँ निरंतर विभाजनशील नहीं होती। विभिद्योतक की कोशिकाएँ तो निरंतर विभाजन करती रहती हैं, लेकिन स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं निरंतर विभाजन नहीं करती हैं। इनकी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। इनको निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। सरल ऊतक जिसमें सम्मिलित कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं सरल ऊतक कहलाते हैं, जैसे मृद ऊतक है, दृढ़ ऊतक है। जटिल ऊतक जिसमें सम्मिलित कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। कुछ तीसरे प्रकार के भी होते हैं विद्यार्थियों जिनको विशिष्ट ऊतक स्पेशल टिश्यू कहते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों के अनुसार ऊतकों का एक और वर्ग विभेदित किया जा सकता है जिसकी कोशिकाएं भले ही एक या अधिक प्रकार की हों परंतु इनकी संरचना एवं कार्य निष्पादन अत्यंत विशिष्ट प्रकार का पाया जाता है। ऐसे ऊतकों को एक अलग श्रेणी में ही रखा जा सकता है, इसे विशिष्ट ऊतक कहते हैं, जिसमें स्रावी संरचनाएं प्रमुख है, जैसे स्रावी रोम है, स्रावी ग्रंथियां हैं, ये विशिष्ट ऊतक में आते हैं। ये चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं प्लांट टिश्यू हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, मेरिस्मैटिक टिश्यू यानी विभिद्योतक डिवाइडेड थ्रू लाइफ यानी संपूर्ण जीवन काल में ये विभाजनशील रहते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक लो स्टेबिलिटी टू डिवाइड फर्दर कि आगे इनके विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। मेरिस्मैटिक टिश्यू या जो विभाजन विभिद्योतक होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभिद्योतक, पार्श्व विभिद्योतक और अंतर्वेशी विभिद्योतक में विभेदित रहते हैं। परमानेंट या स्थायी ऊतक सिंपल यानी सरल ऊतक और संयुक्त ऊतक या जटिल ऊतक में विभेदित होते हैं। सरल ऊतक में आते हैं विद्यार्थियों मृद ऊतक, स्थूल कोणों तक और दृढ़ ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जबकि जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, पोषवाह और दारु आते हैं। अब बात आती है सबसे पहले सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू की। जैसा कि हम जानते हैं सरल ऊतक की कोशिकाएं समांगी या एक ही प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर विभिन्न पौधों में तीन प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, यह हैं मृद ऊतक, स्थूल कोणों तक, दृढ़ ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहला ऊतक है विद्यार्थियों मृद ऊतक या पैरेन्काइमा।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस ऊतक में सम्मिलित कोशिकाएं सजीव, पतली भित्ति वाली या कोमल होती हैं। इस ऊतक के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। तो मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, नरम। तो मृदुतक या पैरेन्काइमा की कोशिकाएं नरम होती हैं, कोमल होती हैं, पतली भित्ति वाली और सजीव होती हैं। इनमें कोशिकाएं जीवित तथा स्पष्ट केंद्रक युक्त तो होती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा उसके साथ बहुधा कैल्शियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है। तो मृदुतक में कोशिकाएं जीवित होंगी और उनकी कोशिका सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है। कोशिकाओं के बीच प्राय अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस उनमें पाए जाएंगे। कोशिका द्रव में स्पष्ट रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, यानी उनमें रिक्तिकाएं पाई जाएंगी और इनकी आकृति अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी, बेलनाकार या ताराकार हो सकती है। विद्यार्थियों, इनका वितरण। पादप शरीर में मृदुतक कोशिकाएं इनके सभी कोमल, गूदेदार व मांसल भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां, बीज, पत्र, फल का गूदा, फलपुट तथा मज्जा में पाई जाती हैं। वैसे अनेक उदाहरणों में यह जटिल ऊतकों में जैसे जाइलम में जाइलम मृदुतक तथा फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक के रूप में मिलती हैं। तो इनका वितरण विद्यार्थियों, कोमल, क्योंकि ये कोमल ऊतक हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैं, तो इनका वितरण भी पादप के कोमल और गूदेदार भागों जैसे फल का गूदा है, मज्जा है, वलकुट है, वहाँ पाई जाती हैं। और जाइलम में जाइलम मृदुतक और फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक के रूप में भी ये पाई जाती हैं। पादप शरीर का अधिकांश भाग इन सरल प्राथमिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं के समूह को कई बार भरण ऊतक भी कहते हैं। यही नहीं, अन्य ऊतकों की कोशिकाओं का प्रारंभिक विकास वस्तुतः मृदुतक कोशिकाओं से ही होता है। विद्यार्थियों, जो मृदुतक होते हैं, मृदुतक को भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि पादप में जो स्पेस, जो स्थान भरने का कार्य है, वह कार्य मृदुतक के द्वारा ही किया जाता है। और मृदुतक की एक अन्य विशेषता भी है कि किसी भी ऊतक का प्रारंभिक विकास जो होगा वह मृदुतक की कोशिकाओं से ही होता है। यानी सबसे पहले कोशिकाएं मृदुतक होती हैं, उसके बाद किसी अन्य ऊतक का निर्माण मृदुतक की कोशिकाओं से होता है। अब बात आती है इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन। मृदुतक कोशिकाएं मूल रूप से प्राथमिक विभिजोत्तक की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं तथा पौधे के विभिन्न हिस्सों का ढांचा बनाती हैं। पौधे के विभिन्न ऊतक क्षेत्र जैसे वलकुट, मज्जा, प्राणमध्योतक, भरण विभिजोत्तक से तथा प्राथमिक समयन ऊतकों में पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम मृदुतक प्रोकैम्बियम से बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाली मृदुतक कोशिकाओं की उत्पत्ति कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम से होती है। तो जो मृदुतकी कोशिकाएं हैं वो विभिजोत्तकी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं तथा पौधे के विभिन्न क्षेत्र जैसे वलकुट, मज्जा, प्राणमध्योतक तथा समयन ऊतक में पाए जाने वाले जाइलम फ्लोएम के मृदुतक कैम्बियम से बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि, जो कि पादप की मोटाई में या चौड़ाई में वृद्धि होती है, उसके दौरान जो मृदुतक कोशिकाएं बनेंगी उनकी उत्पत्ति कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम के द्वारा होती है। विद्यार्थियों, इनकी संरचना की अगर बात की जाए तो मृदुतक कोशिकाएं सामान्यतः समव्यासी यानी एक समान व्यास की होती हैं, परंतु अनेक पौधों में यह लंबवत, अंडाकार या बहुकोणीय दिखाई देती हैं। इनका विन्यास सामान्यतः सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। परिपक्व मृदुतक कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित पाई जाती हैं तथा इनके बीच उपस्थित अंतरकोशिकीय स्थान अत्यंत छोटे होते हैं। भ्रूणपोष की मृदुतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, परंतु विभिन्न फलों के गूदों में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतरकोशी के स्थान पाए जाते हैं एवं यह कोशिकाएं शिथिलतापूर्वक व्यवस्थित होती हैं। यानी एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि बहुत ही कठोरता से संघन रूप से व्यवस्थित नहीं होती हैं, शिथिलता से जुड़ी रहती हैं। कोशिका भित्ति अत्यंत पतली तथा सेलुलोज व पैक्टिन या हेमी सेलुलोज की बनी होती है।
तथा भित्ति में जीवद्रव तंतु भी सामान्यतः उपस्थित होते हैं, परंतु द्वितीय जाइलम में उपस्थित जाइलम मृदुतक की कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। पादप शरीर में इनकी स्थिति एवं कार्य के अनुसार मृदुतक कोशिकाओं में उपस्थित अंतर वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी मृदुतक में हरित लवक व मंड कण पाए जाते हैं, जबकि भोजन संग्रहित करने वाली संचयी मृदुतक कोशिकाओं में मंड कण, तेल गोलिकाओं एवं शर्कराओं की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुछ मृदुतक कोशिकाओं में टैनिन एवं एल्कलोइड भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर वस्तुओं की दृष्टि से मृदुतक कोशिकाओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, परंतु इन सभी में केंद्रक आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए ही ऊतक के बारे में इतना ही है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे कुछ अन्य वीडियोस में हम विभिन्न जो ऊतक हैं, जैसे स्थूल कोण ऊतक है, दृढ़ ऊतक है, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।